गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फटाफट जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाओ सेशन को शेयर कर दो जल्दी से उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स हेलो प्रद्युमन गुड इवनिंग सक्सेस श्रेया हेलो शिवानी तो फटाफट जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ सेशन को शेयर कर दो जल्दी से लाइक कर दो जितने भी नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल उसके बाद हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स और जो जो बुक हम यहाँ पे कवर करेंगे रेफरेंस बुक जो हम कवर करेंगे यहाँ पे वो होंगी लेडलर एस के उपाध्याय एटकिंस और पीएसपी ये चार रेफरेंस बुक्स हम केमिकल काइनेटिक्स की यहाँ पे कंप्लीट सोल्व करेंगे यस फैज गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून तृप्ति तो जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ देखो गुड इवनिंग अदिति से आ जाया करो भाई तुम लोग चलो जल्दी जल्दी आ जाओ उसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं आप लोगों की सभी की यही डिमांड थी कि केमिकल काइनेटिक्स पहले हो तो पहले हम केमिकल काइनेटिक्स अपना कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे ओके हाँ फैज बिल्कुल गुड इवनिंग पंकज कुमार और जो हम क्वेश्चन करेंगे सारी रेफरेंस बुक के हम सोल्ड और अनसोल्ड सारे क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे और हर टाइप के करेंगे अगर तुम यही सारे क्वेश्चन कर लोगे तो हर एग्जाम में आपके काइनेटिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे काइनेटिक्स के क्वेश्चन पक्का ही हो जाएंगे श्योरिटी के साथ गुड इवनिंग गुड इवनिंग शिवानी पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद उसका क्वेश्चन ठीक है कॉन्सेप्ट उसके बाद उसका क्वेश्चन तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई देखो ऐसे मजे नहीं आएंगे फिर क्लास में तुम्हें भी पता है तुम्हें खुद में कंपटीशन होना चाहिए गुड इवनिंग अंकित तो चलो भाई हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन शिवानी एक घंटे का होता है हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है किस एग्जाम के लिए सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे आई आई जैम के होंगे नेट के होंगे गेट के होंगे ठीक है जेई नीट वाले भी होंगे तो किस एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स कितना इंपॉर्टेंट है एक बार हम वो देख लेते हैं उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वी वॉन्ट स्टेटिस्टिकल थर्मोडाइनेमिक्स ओके नहीं विकास वो कंप्लीट नहीं हुआ है जितनी आपकी थर्मो वहां पे हुई है सर करा रहे सपना तनुजा तो देखो अगर मैं बात करूं हम पिछले चार साल का अगर हम एनालिसिस देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स के कितने क्वेश्चन आए हैं किस एग्जाम में तो अगर हम डी की बात करें कि डीयू के एंट्रेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं तो देखो किसी में तीन मतलब का क्वेश्चन आ रहे हैं किसी में, में चार क्वेश्चन आ रहे हैं अब तुम खुद देख लो एक एग्जाम में अगर एक टॉपिक के चार क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो ठीक है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके बाद अगर हम बीएचयू की बात करें यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बी एच यू के भी होंगे जिन्हें बीएचयू का एग्जाम देना है यहाँ पे क्या चल रहा है आशीष हम केमिकल काइनेटिक्स के रेफरेंस बुक्स के सोल्ड और अनसोल्ड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे विद कॉन्सेप्ट एम डी अरमान ओके ठीक है अगर हम बीएचयू की बात करें तो देखो बीएचयू में दो हजार बीस में तो पांच क्वेश्चन आ रखे हैं उन्नीस में तीन और दो हजार अठारह में छह क्वेश्चन आ रखे हैं एक एग्जाम में एक टॉपिक के छह क्वेश्चन मतलब बी एच यू के लिए तो ये केमिकल काइनेटिक्स एक बंपर टॉपिक है बिल्कुल इसको लाइटली लेना ही नहीं है यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बाद नीट की बात करें नीट में देखो हर ईयर में टू क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब एक कॉन्स्टेंट है ये तुम्हारा फिक्स है कि अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो नीट एस्पिरेंट हो तो केमिकल काइनेटिक्स के तुम्हें दो क्वेश्चन पक्का ही मिलेंगे पेपर में ठीक है दो से कम का तो कोई चांस ही नहीं है इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन दो क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेंगे ठीक है और एक नीट स्टूडेंट के लिए अगर तुम्हारे दो क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है ठीक है उसके बाद अगर हम जैम की बात करें जैम के स्टूडेंट्स देख लो तीन क्वेश्चन नाइनटीन में भी तीन क्वेश्चन आए हुए हैं एटीन और सेवनटीन में दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब तुम्हारे जैम के एग्जाम में भी केमिकल काइनेटिक्स एवरेज टू टू थ्री क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स के

2020 में तो तुम्हारा एक ही एग्जाम हुआ था उसमें तीन क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के के नेट एग्जाम में तीन क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बाद 19 में नवंबर में थ्री क्वेश्चन दिसंबर में फोर 18 में तो फोर फोर आयु दोनों में और 2017 में तो एक एग्जाम में पांच क्वेश्चन आ रखे हैं नेट के एक एग्जाम एक में काइनेटिक्स के पांच क्वेश्चन मतलब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगर हम गेट की बात करें तो देखो 2020 में गेट में तीन क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स के हैं गेट में लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे 55 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होते हैं और उसमें से तीन केमिकल काइनेटिक्स ही लेके बैठा हुआ है दो 19 में आए 18 में टू आए और 17 में तो चार क्वेश्चन आए हुए मतलब तुम्हारे यहाँ पे दो से फोर या फाइव मतलब ये फिक्स है कि दो से कम नहीं आएंगे ये तो फिक्स है तुम्हारे गेट के एग्जाम में भी 55 फाइव क्वेश्चन में से केमिकल काइनेटिक्स दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन ही लेके रहेगी इससे कम नहीं आएंगे तो अब हम देखते हैं चाहे वो तुम्हारा डी यू एग्जाम हो डीयू बी एच यू एंट्रेंस एग्जाम हो जैम नेट गेट कोई भी हो उन सब में केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन किसी में भी टू या थ्री से कम नहीं है ठीक है कमलदीप ये कंबाइन करके ठीक है, है ये कंबाइन करके है टू और फोर मार्क्स वाले को कंबाइन करके आए फोर मार्क्स वाले में तुम्हें एक तो पक्का ही मिलेगा जैसे यहाँ पे तीन क्वेश्चन है तो एक तो पक्का ही फोर मार्क्स का है बल्कि दो क्वेश्चन फोर मार्क्स वाले सेक्शन में जाते हैं और एक टू मार्क्स वाले में ठीक है तो अब एक बार तुम खुद ही इसको एनालाइज कर लो कि चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो हर एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स का कितना बड़ा रोल है ठीक है एक केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारी रैंक को कहीं से कहीं ले जाएगा अगर तुम केमिकल काइनेटिक्स बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो तो हर एग्जाम के लिए ये बम्पर टॉपिक है किसी भी एग्जाम में तुम इसको नॉर्मल टॉपिक की कैटेगरी में नहीं रख सकते हो हर एग्जाम में इसके भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं बीएचयू और जैम और नेट गेट वाले तो इसको अच्छे से रट लेना मतलब पी जाना केमिकल काइनेटिक्स को तो कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं और अब हम इसके सारी रेफरेंस बुक के क्वेश्चन भी कर लेंगे ठीक है अब हम सारे रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चन भी इसके डिस्कस कर लेते हैं ताकि सारा काम ही खत्म हो जाए देखो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सप्रेस इन यूनिट्स ऑफ डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स कब जब पहले में तुम्हारी रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब मोलिक्यूल इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स में और आपको कन्वर्ट किस में करनी है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स में ठीक है मतलब यहाँ पे उसने क्या पूछा है यूनिट कन्वर्जन और यूनिट कन्वर्जन तो फिजिकल की बिल्कुल जान है ठीक है बिल्कुल तुम्हें ये तो आना ही चाहिए तो सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन में तुम कैसे करोगे गीवन क्या है तुम्हें डेसीमीटर क्यूब और मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स करना है दे किसमेंट दे रखी है टू पॉइंट फाइव जीरो इंटू टेन की पावर माइनस नाइन सेंटीमीटर क्यूब मोलिक्यूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स अब देखो कैसे करोगे शिवानी वही करा रही हूं अभी देखो कैसे करोगे सेंटीमीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे देखो तुम्हें पता है एक में कितना सेंटीमीटर होता है टेन सेंटीमीटर यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे Ten. तो यहां पे क्या है क्यूब है यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब है तो वन डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब ये बात समझ में आई एक डेसीमीटर क्यूब में थाउजेंड सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए उसके बाद मोलिक्यूल मतलब तुम्हें सेंटीमीटर को डेसीमीटर में लेके जाना है तो एक सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया टेन की पावर माइनस थ्री डेसीमीटर क्यूब बोलो भाई एक सेंटीमीटर क्यूब क्या हो गया टेन की पावर माइनस थ्री डेसीमीटर क्यूब ठीक है हाँ शिवानी बता रही हूं अभी हाँ अतुल इस क्लास के बाद पूछ लेना ठीक है इस क्लास के बाद पूछ लेना तो एक सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो गया टेन की पावर माइनस थ्री मतलब हमने इस सेंटीमीटर क्यूब को तो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया अब दूसरे की बात आती है मोलिक्यूल की किसकी बात आती है मोलिक्यूल इनवर्स की हमें पता है एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं एवो गो नंबर ऑफ मोलिक्यूल एक मोल में कितने मोलिक्यूल होते हैं एवो गो नंबर ऑफ मोलिक्यूल अगर तुम इसका इनवर्स लोगे वन मोल इनवर्स किसके इक्वल होगा एन ए मोलिक्यूल इनवर्स ठीक है इनवर्स इसका क्या लेना है तुम्हें इनवर्स लोगे तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा एवो गैद्रो नंबर इंटू मोल इनवर्स एवो गैद्रो नंबर इन मोल इनवर्स मतलब मोलिक्यूल को मोलिक्यूल इनवर्स को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया मोल इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया

मोलिक्यूल इनवर्स को किसमें करना है मोल इनवर्स में तो एक मोलिक्यूल इनवर्स में कितने मोल इनवर्स हैं एवो नंबर या तुम लिख लो यहाँ पे 10 की पॉइंट जीरो मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स तो एज इट इज है अब मेरी यूनिट पूरी कन्वर्ट हो गई रेट कांस्टेंट मेरा सेंटीमीटर क्यूब मोलिक्यूल इनवर्स सेकंड इनवर्स से किसमें कन्वर्ट हो गया डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में ठीक है हाँ कमलदीप, समझ में आया तो ये मेरा क्या हो गया रेट कॉन्स्टेंट कन्वर्ट हो गया रेट कॉन्स्टेंट सेंटीमीटर क्यूब मोलिक्यूल इन्वर्स से डेसीमीटर क्यूब मोलिक्यूल इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया तो जल्दी से बताओ मुझे ये यूनिट कन्वर्जन समझ में आई या नहीं जल्दी बताओ देखो यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है यूनिट कन्वर्जन बहुत जरूरी है तुम्हें सारे काइनेटिक्स के फॉर्मूले याद है ठीक है सारे काइनेटिक्स के फॉर्मूले आपको याद हैं लेकिन आप वहां पे यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे उसने क्वेश्चन में कोई और यूनिट दी है आंसर में किसी और यूनिट में तुमसे आंसर पूछा है तो अगर यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो उस फॉर्मूले याद होने का कोई मतलब नहीं बनता फिर उन फॉर्मूले को तुम रिटेन रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है हाँ भाई तो जल्दी जल्दी बताओ मुझे ठीक है है क्लियर ये तारा? तो हम आगे चलते हैं पहले में तो तुम्हें क्या करना था सिर्फ सेंटीमीटर को में मोलिक्यूल इनवर्स को मोल इनवर्स में अब हमें क्या करना है दूसरे में उसने वेट कॉन्स्टेंट दिया है सेकेंड इनवर्स एटमोस्फियर इनवर्स किसमें दिया है सेकेंड इनवर्स एटमोस्फियर इनवर्स और हमें कन्वर्ट किसमें करना है डेसीमीटर क्यूब तो ध्यान से देखो सेकेंड इनवर्स तो दोनों में सेम है हमें क्या करना है इनडायरेक्टली इस एटमोस्फेयरिक इनवर्स को एटमोस्फेयर इनवर्स को किसमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में किसमें कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में ठीक है ओके okay. तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो भाई इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो हमें पता है प्रेशर क्या होता है प्रेशर क्या होता है अगर हम आइडियल गैस की इक्वेशन यूज करें तो क्या आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन आर टी ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है अगर मैं क्या करूं इस वॉल्यूम को यहां पे लिख दूं एन बाई वी आर टी तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ये तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो भाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या बन गया तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या बन गया कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर किसके इक्वल आ गया कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर टी यहाँ पे सी किसके इक्वल आ जाएगा पी बाय आर टी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल आ गई पी बाय आर टी अब देखो अगर तुम प्रेशर एटीएम लेते हो वन ए तुम्हारा प्रेशर है उसके बाद आर तुम्हारा क्या है गैस कॉन्स्टेंट जीरो एट एटमोसफियर डेसीमीचर टेम्परेचर तुम्हारा क्या है एटमोसफियर तो से एटमोस्फियर कैंसिल आउट हो गया तो तुम्हारी कंसंट्रेशन ये क्या आ गई ये तुम्हारी किसके इक्वल आ गई अगर तुम यहां पे इसको देखोगे तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो डबल फोर सिक्स डेसीमीटर का माइनस थ्री और मोल डेसीमीटर माइनस थ्री मोल ये तुम्हारा किसके इक्वल आया है ये तुम्हारा है वन ए टी एम किसके इक्वल आ गया जीरो डेसीमीटर की पावर माइनस थ्री मोल लेकिन मुझे तो मेरी यूनिट किसमें चाहिए थी मुझे तो यूनिट किसमें चाहिए थी डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स में डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स में मेरे पास के की वैल्यू थी टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स एटमोस्फियर इनवर्स सेकेंड इनवर्स तो यहां पे सेकेंड इनवर्स तो सेम है लेकिन ये क्या है मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स में और वन एटमोस्फियर किसके इक्वल है जीरो प्वाइंट जीरो डबल फोर सिक्स डेसीमीटर माइनस क्यूब मोल में तो अब तुम क्या करोगे अब तुम यहाँ पे क्या करोगे इसका रेसिप्रोकल कर दो जब तुम इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? का decimeter cube mole inverse. Inverse करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे अब देखो यहाँ पे एटमोस्फियर इनवर्स किसके टर्म्स में आ गया डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स के टर्म्स में आ गया ठीक है तो अब सिंपल वन एटमॉस्फेयर इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो सिंपल ये वाली वैल्यू पुट कर दो तो आपका के क्या आ जाएगा टू इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स एटमोस्फियर इनवर्स की जगह क्या पुट करोगे जीरो पॉइंट जीरो डबल फोर सिक्स डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स एज इट इज तो अब ये आपका रेट कॉन्स्टेंट आ गया डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड में, ठीक है यही तो हमें चाहिए था यही तो मुझे चाहिए था ठीक है सोन कामले राजेश क्या फास्ट कैलकुलेशन की है कुछ भी नहीं मुझे तो सिर्फ यूनिट का खेल देखना है कि यूनिट का मैं कैसे रेसिप्रोकल करूं उसको किससे मल्टीप्लाई करूं किससे डिवाइड करूं कि जो मेरी गिवन यूनिट है और जो मेरी रिक्वायर्ड यूनिट है दोनों में मुझे रिलेशन मिल जाए बस मुझे तो यही चाहिए था और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं था हमने वही किया है प्रेशर को वन एटमोस्फियर को हमने कन्वर्ट कर लिया कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स में और उसको जो हमें रिक्वायर्ड यूनिट थी उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम प्रेशर की वन एटमोसफियर हम लेके चल रहे हैं ना हम लेके चल रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू तो तुम लेके चलोगे अंकुश स्टैंडर्ड वैल्यू ही तुम लेके चलोगे तुम अपने मन से 10 एटमॉस्फेयर तो लेके नहीं चल सकते एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तुम लेके चलोगे ठीक है ये तुम्हारे पास 1 एटीएम की वैल्यू आई है अगर तुम्हारा प्रेशर वो बोलेगी 10 एटमॉस्फेयर है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो हजार है इसको हजार से मल्टीप्लाई कर दो अगर तुम 1 के लिए वैल्यू निकाल सकते हो फिर तो तुमसे किसी के लिए पूछ ले वो ठीक है महक डेसीमीटर कहाँ पे कैसे आया मेरे पास मैंने गैस कांस्टेंट के यूनिट से आया मेरे पास गैस कांस्टेंट के यूनिट से आया है मेरे पास ठीक है तो किसी को कोई भी डाउट है तो भाई जल्दी बोलो फिर हम आगे चलते हैं तो यूनिट कन्वर्जन तुम्हें समझ में आ गया अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट वो किसी भी यूनिट में दे रहा है आंसर किसी दूसरे यूनिट में पूछा है तो तुम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे बिना यूनिट कन्वर्जन कुछ नहीं है कहां पे अरे तो ये यूनिट जब तुमने प्रेशर वन एटमोस्फियर रखा तो कंसंट्रेशन कितनी आई डेसीमीटर माइनस क्यूब मोल मतलब वन एटमोस्फियर का और डेसीमीटर माइनस क्यूब मोल का ये रिलेशन है ठीक है अंकुश वो मुझे पता है लेकिन जब तुमने प्रेशर वन एटमोस्फिर रखा यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है है इस में 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 और डेसीमीटर क्यूब मोल ठीक सोन कामले राजेश फिजिकल फिजिकल समझ में नहीं आती को इतनी बड़ी वो थोड़ी ना कि समझ में नहीं आती बस तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से उसको एक बार एक बार में समझ नहीं आएगी दो बार पढ़ो दो बार में नहीं आएगी तीन बार में पढ़ो उसके क्वेश्चंस तुमसे एक बार में नहीं हो रहे कोई बात नहीं दूसरी बार प्रैक्टिस करो तीसरी बार करो प्रैक्टिस करने पे तो आ ही जाएगा हाँ बिल्कुल है एम डी अरमान बिल्कुल है नीट में तुम्हारे जेई नीट में और ट्वेल्थ में काइनेटिक्स आती है पांच मिनट पहले मैंने आपको यही समझाया था कि किस किस एग्जाम के लिए काइनेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है तो आगे चले देखो अगला क्वेश्चन है आपका रिएक्शन क्वेश्चन ध्यान से देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा लेडलर का क्वेश्चन है इक्वेशन लेडलर का अनसोल्व क्वेश्चन है ये ए रिएक्शन है इक्वेशन आपके पास ये रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिव द प्रोडक्ट टू जेड

0.18 मोल ऑफ ए रिमेंस मतलब 0.28 में से 0.18 मोल ए के बचते हैं बाकी के रिएक्ट कर गए व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट आर दी अमाउंट्स ऑफ बी एंड जेड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अब देखो ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है एक नई टर्म है ये काइनेटिक्स में जो हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखो नाम से ही तुम्हें बता रहा है केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकालने के लिए काइनेटिक्स का मतलब यही होता है मोशन ठीक है थर्मोडाइनेमिक्स तुम्हें क्या बता देती है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं स्पॉन्टेनियस है या नहीं लेकिन अगर वो रिएक्शन फिजिबल है ठीक है तो उस रिएक्शन की स्पीड क्या होगी किस स्पीड से वो रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे वो रिएक्शन किस स्पीड से प्रोग्रेस में है ठीक है तो वो हमें कौन बताता है काइनेटिक्स बताती है उसमें एक टर्म है हमारी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताएगा कितनी रिएक्शन रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई मतलब कितना रिएक्टेंट मेरा प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया जो रिएक्शन की प्रोग्रेस है वो ही क्या बताता है मुझे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ठीक है अब जो आपका रेट है मुझे तुम एक बात बताओ अगर मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखती हूँ यही रिएक्शन ले लो ए प्लस गिव्स टू जेड ठीक है अगर मैं इसके लिए प्लीज एक्सप्लेन डेसीमीटर अरे डी दे, महक डेसीमीटर है ये लेंथ की यूनिट होती है ना तुम्हारी मीटर सेंटीमीटर वही डेसीमीटर है ओके अब तुम मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें रिएक्शन लिख के दी ए प्लस टू बी इट गिव्स टू जेड इसके लिए मैं तुमसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछती हूँ रेट ऑफ रिएक्शन तो तुम थ्योरेटिकल रेट इसका क्या लिखोगे माइनस डी ए बाई डी टी रेट तो यही लिखोगे ना रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम ठीक है अगर वो रिएक्टेंट की है तो क्या होगी डिक्रीज होगी प्रोडक्ट की है तो इंक्रीज होगी डी टी अब जल्दी से तुम मुझे एक बात बता दो कि तुमने इन रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट करके क्यों लिखा है रिएक्टेंट के तुमने दोनों बराबर लिखे ये बात एक बार में समझ में आ सकती है लेकिन तुमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन तीनों के रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट करके क्यों लिखा है बताओ भाई आपने तीनों के रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट करके क्यों लिखा कहीं पे भी आप देखते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे या तो तुम टर्म्स में लिख लो डिक्रीज इन दी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम तो हम दोनों को इक्वेट क्यों करते हैं खाली रिएक्टेंट की टर्म्स में या प्रोडक्ट की टर्म्स में क्यों नहीं लिखते जल्दी से बताओ भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आदो ने तो ये बात सोची भी नहीं होगी बस ट्वेल्थ क्लास में हम पढ़ते हैं जितना रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा इसीलिए हम इक्वेट करते हैं ओके हाँ रोहित कुमार सैनी बिल्कुल सही बोला आपने बिल्कुल सही बोला समझने के लिए अरे ऐसे ही समझने के लिए, लिए लिखते तो केमिस्ट्री तुम दो मिनट में खत्म कर देते क्योंकि हर स्पीसीज के लिए चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो हर स्पीसीज के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है ये जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना ये एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है ये क्या होता है कंडीशनल रेट होता है ये क्या होता है आपका कंडीशनल रेट और कौन सी कंडीशन होती है यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन तुम यहाँ पे क्या लेके चलते हो कि जो भी ये रिएक्शन हो रही है ना इस रिएक्शन के ड्यूरिंग जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उस टाइम पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन ये आता है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं होता है ठीक है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से ठीक है और रेट ऑफ लिए हो या प्रोडक्ट के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है सभी के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है ठीक है अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं करना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसको जाई से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल टू दी चेंज इन अमाउंट चाहे वो आपका रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो या कोई भी स्पीसीज हो उसकी अमाउंट में कितना चेंज आया है डिवाइड बाई स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाई स्टोशियोमेट्री ये तरीका होता है आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का ठीक है और ये बात बिल्कुल तुम्हें क्लियर हो गई है हम रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट क्यों करते हैं बिकॉज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल फॉर ऑल दी स्पीसीज अब आपके पास एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है निकालते कैसे हैं और इसकी जरूरत क्यों है ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है अब हम चलते हैं वापिस अपने क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन में मेरे में उसने क्या बोल दिया ए प्लस टू बी क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया है क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि a प्लस टू बी इट गिव टू जेड ए प्लस टू बी इट गिव टू जेड उसने बोला है कि इनिशियली इनिशियली मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी जब टाइम मेरा जीरो है वहां पे जीरो पॉइंट टू एट मोल तो किसके प्रेजेंट है a के और जीरो पॉइंट थ्री नाइन मोल्स b के प्रेजेंट है उसके बाद उसने बोला है इनिशियली मतलब प्रोडक्ट तो कुछ होगा नहीं प्रोडक्ट्स तो कुछ होगा नहीं ठीक है उसके बाद किसी एक टाइम टी पे उसने क्या बोला है किसी एक टाइम टी पे क्या होगा किसी एक टाइम टी पे 0.18 मोल ऑफ ए रिमेंस मतलब इनिशियली कितने थे क्लियर नहीं दिख रहा अभी तो क्लियर दिख रहा है इससे ज्यादा क्या क्लियर चाहिए तुम्हें ठीक है देखो ए के लिए अरे सोन कामले अगर तुम उससे निकालोगे ना तो भी लास्ट में यही आएगा ठीक है उससे तुम कंक्लूड करके निकालोगे तो यही आएगा इनिशियली ए के 0.28 मोल प्रेजेंट थे बी के 0.39 लेकिन उसके बाद उसने बोला है कि किसी एक टाइम टी पे ए के 0.18 मोल बचते हैं ठीक है थिके? तो अब तुमसे क्या पूछा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो मतलब मुझे क्या निकालना है तो एक्सटेंट ऑफ कि जितना reactant react करेगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा क्या बोला मैंने जितना रिएक्टेंट रिएक्ट react करेगा प्रोडक्ट भी उतना ही बनेगा तो यहाँ पे इनिशियली जीरो पॉइंट टू एट था ए जीरो पॉइंट वन एट बचा है मतलब रिएक्ट कितना किया होगा 0.10 ये आपकी क्या है रिएक्टेड अमाउंट ये आपकी क्या है रिएक्टेड अमाउंट कितना रिएक्ट किया 0.10 अब मैंने क्या बोला है जितना रिएक्टेंट रिएक्ट react करेगा प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा तो जब यहाँ पे 0.10 ए का रिएक्ट किया तो इसके साथ में बी का कितने मोल्स रिएक्ट किए होंगे जब ए का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है उसके साथ बी के 2 मोल चाहिए तो जब 0.10 मोल ए के रिएक्ट करेंगे तो बी के कितने रिएक्ट करेंगे वहां पे 0.20 0.20 मतलब जब 0.10 ए के रिएक्ट किए तो बी के कितने रिएक्ट किए होंगे 0.20 तो 0.39 में से 0.20 तो रिएक्ट कर गए बचे कितने 0.19 कितने बचे 0.19 अब क्या हो रहा है यहां पे एक मोल ए से दो मोल जेड का फॉर्मेशन हो रहा है तो जीरो पॉइंट वन जीरो से कितना जेड बनेगा जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया मैंने सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन फॉर ए क्या होगा ए की अमाउंट में जितना चेंज आया है कितना चेंज आया इनिशियली थी मेरे पास जीरो पॉइंट टू एट अब कितनी प्रेजेंट है जीरो पॉइंट वन एट डिवाइड बाई स्टोश्योमेट्री स्टोश्योमैट्री क्या है इसकी वन स्टोश्योमेट्री क्या है वन तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो आपका आ गया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए आगे चाहे तुम कैलकुलेट मत करो क्योंकि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सभी के लिए बराबर होगा लेकिन फिर भी हम ये बात अपनी चेक कर लेते हैं चेक करने में क्या जा रहा है बी के लिए इनिशियल कितनी अमाउंट थी जीरो पॉइंट थ्री नाइन अभी कितनी बची है जीरो पॉइंट वन नाइन क्योंकि जीरो तो पॉइंट टू कर गया और इसकी स्टोशियोमेट्री कितनी है दो स्टोशियोमैट्री कितनी है दो तो देखो क्या आया डिवाइड रिएक्शन चेक करती हूँ तो देखो क्या आएगा जीरो पॉइंट टू जीरो इनिशियली तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है सिर्फ कितना है जो हमारा तुम्हारा प्रोडक्ट बना है सिर्फ वही अमाउंट ये भी किसके इक्वल आ गया जीरो पॉइंट वन जीरो से तुम एक बात देखो कि चाहे वो तुम्हारा रिएक्टेंट हो या तुम्हारा प्रोडक्ट हो सबके लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा बराबर आएगा सबके लिए एक्सटेंट ऑफ़ रिएक्शन क्या आएगा इक्वल आएगा यस yes, पवन पवार बिल्कुल भाई इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है जेई के लिए तो ये तो हो गया आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ये तो आ गया मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पहला पार्ट सोल्व हो गया दूसरे पार्ट में उसने क्या पूछा है हाँ सोन कामले राजेश बिल्कुल आते हैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट ही यहीं से होती है केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट ही यहीं से होती है ठीक है स्टार्ट ही यहीं से होती है इसने क्या पूछा है अगले पार्ट में वी एक्सटेंट ऑफ जाएगा मतलब रिएक्टेंट पूरा रिएक्ट कर जाएगा अब इनमें से कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट करेगा मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उस टाइम पे प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि रिएक्शन में जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ही यही है कि वो वाला जो तुम्हारा रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा प्रोडक्ट भी तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट भी तो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा अब तुम मुझे जल्दी से एक बात बता दो मोल कांसेप्ट सबका पढ़ा हुआ है 11th क्लास का केमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट तो जल्दी से मुझे बता दो इस रिएक्शन में आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा ये आपकी रिएक्शन रही इसको मैंने करके भी, लिखा इससे तो क्या ही चाहिए? करके भी लिखा हुआ है मुझे ए और बी में से जल्दी से बता दो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा फटाफट बोलो हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना अब देखो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि तुम एक दिन में आके जीरो ऑर्डर रिएक्शन के दस क्वेश्चन लगा लो और तुम खुश हो जाओ हाँ मुझसे तो दस क्वेश्चन होंगे ठीक है उस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता है इससे अच्छा चाहे तुम दो क्वेश्चन करो दो क्वेश्चन में तुम्हें दो नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले ताकि इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आए वो तुमसे हो जाए जिसका कम कंसंट्रेशन होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये तो कोई जरूरी नहीं है ए बी ए बी ये तो मुझे भी पता है कि दो ही रिएक्टेंट हैं। तो या तो ए तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा या बी होगा आधे ए बोल रहे हैं, आधे बी बोल रहे हो मैं बताती हूं सुनो लिमिटिंग रिएजेंट आपका जो यहाँ पे होगा वो होगा बी लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे आपका होगा वो होगा बी लिमिटिंग रिएजेंट बी कैसे होगा सुनो मेरी बात कैसे होगा बी लिमिटिंग रिएजेंट सुनो देखो रिएक्शन गिवन है आपकी ए प्लस टू बी इट गिव्स टू जेड ठीक है इट गिव्स टू जेड जिसका ए है वो सुन लो अमाउंट देख के कभी नहीं बोलते अमाउंट देख के कभी भी नहीं कहते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा ठीक है केमिस्ट्री में amount एक में अमाउंट मिनट तुम्हारा आंसर गलत करा देगी कभी भी ये देख के मत कहना कि ये कम प्रेजेंट है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा कैसे सुनो इनिशियली उसने क्या बोला कि ए के जीरो पॉइंट टू एट मोल प्रेजेंट है बी के जीरो पॉइंट थ्री नाइन मोल प्रेजेंट है इतनी सी बात सिंपल है किसी एक टाइम टी पे ए जीरो पॉइंट मोल बचे हैं ये बात उसने दी थी पहले के लिए अब तुम मुझे एक बात बताओ अगर तुम गिवन रिएक्शन को देखते हो जो गिवन रिएक्शन है उसको देखते हो तो वहां से क्या है एक मोल ए के साथ एक मोल ए के साथ रिएक्ट करने के लिए तुम्हें कितने मोल बी के चाहिए टू मोल ऑफ बी जब ए का एक मोल कंप्लीटली रिएक्ट करेगा तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए बी को दो मोल अपने देने ही पड़ेंगे बी के दो मोल की जरूरत पड़ेगी ठीक है उसके बाद उसने जीरो पॉइंट टू एट मोल ऑफ ए उसने दे दिया जीरो पॉइंट टू एट मोल ऑफ ए उसने दे दिया ठीक है तो यहाँ पे क्या आ गया अगर ए का एक मोल बी के दो मोल के साथ टकराएगा बी के दो मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 0.28 मोल ए के कितने के साथ करेंगे बी के 2 0.28 मोल ऑफ बी के साथ मतलब 0.56 मोल्स ऑफ बी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अगर ए पूरे का पूरा रिएक्ट करेगा ए के 0.28 मोल्स कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए बी के 0.56 मोल्स बी के कितने चाहिए 0.56 मोल्स तभी ये पूरा रिएक्ट कर पाएगा लेकिन मेरे पास तो बी गिवन ही 0.39 है बी मेरे पास गिवन कितना है 0.39 मोल्स बी के गिवन है मतलब 0.56 मुझे चाहिए लेकिन दे ही मुझे 0.39 रखे हैं जितने चाहिए उतने तो दे ही नहीं रखे मतलब जब तक 0.28 मोल ए के रिएक्ट करेंगे उससे पहले बी कंप्लीटली रिएक्ट कर गया होगा उससे पहले बी कंप्लीटली रिएक्ट कर गया होगा ठीक है पहले मुझे बताओ ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई लिमिटिंग रिएजेंट वाली बात समझ में आई या नहीं आई फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कराती हूं तो बी आपका यहां पे क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट तो कभी भी ये मत देखा करो कि कौन कितना कम है कौन कितना ज्यादा है लिमिटिंग रिएजेंट उसको देख के हम नहीं बता सकते तुम्हें रिएक्शन चला के ही देखना पड़ेगा अब समझ गए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं ठीक है ओके इसका मतलब है कि मेरा 0.39 पूरे का पूरा रिएक्ट करेगा एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा ये बी तो पूरे का पूरा रिएक्ट कर गया होगा यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ रिएक्टेड अमाउंट मतलब B कितना रिएक्ट कर गया होगा 0.39 जितना था पूरे का पूरा रिएक्ट कर गया तो कितना बचा होगा जीरो कितना बचा होगा जीरो क्योंकि सारा ही रिएक्ट कर गया थे ना हाँ राजेश इसीलिए ए के एक मोल के साथ बी के दो मोल चाहिए थे तो जीरो पॉइंट टू एट के साथ बी के जीरो पॉइंट फाइव सिक्स मोल चाहिए लेकिन उसने हमें ऑलरेडी जीरो पॉइंट थ्री नाइन मतलब कम वैल्यू दी है तो पहले वही रिएक्ट करेगा ना जब तक ए पूरा खत्म होगा उससे पहले बी खत्म हो चुका होगा तुम्हारे रिएक्शन मिक्सचर में अब देखो अब मैंने तुम्हें क्या बोला यहाँ पे तुम्हें पता चल गया कि कितना रिएक्ट करेगा जीरो पॉइंट थ्री नाइन उसके बाद मैंने तुम्हें क्या बोला था पिछली स्लाइड में कि जो तुम्हारा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा सुभाषमिता बिल्कुल सही है ठीक है इसका मतलब है कि जो अब मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो इस 0.39 के अकॉर्डिंग बनेगा तो B के दो मोल से Z के दो मोल बन रहे थे B के 0.39 से Z के कितने बनेंगे 0.39 अब मैं एक की बात करूं एक की बात करूं तो क्या होगा B के दो मोल के साथ दो मोल B के साथ कितने रिएक्ट कर रहे थे एक मोल ऑफ एक मोल ऑफ ए तो बी के 0.39 मोल के साथ कितने रिएक्ट करेंगे 1/2 0.39 मोल ऑफ ए 0.39 मोल ऑफ ए और ये कितना आ जाएगा 0.195 मोल ऑफ ए मतलब जब बी के 0.39 मोल रिएक्ट करेंगे तो ए के कितने करेंगे उसके साथ में 0.195 अब बचे कितने जीरो पॉइंट टू एट में से जीरो पॉइंट वन नाइन फाइव माइनस कर लो जीरो मोल बच गए अब तुम्हें फिर से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है क्योंकि उसने क्या पूछा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एट कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो मेरे पास ये सारा मामला होगा इतना रिएक्टेंट रिएक्ट react किया है तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ए का क्या आ जाएगा जितना रिएक्ट किया 0.195 1, ऑफ रिएक्शन बी का कितना आ जाएगा, 0.39 2, क्योंकि इसका स्टोशियोमेट्रिक क्या है 2 और जेड की भी क्या है 2. तो सिमिलरली एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जेड का क्या आ जाएगा 0.39 पॉइंट 2, दैट इज इक्वल टू 0.195 ठीक है जल्दी बताओ मुझे ये तुम्हारा रिएक्शन क्वेश्चन था कि जब किसी एक टाइम टी पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो कैसे निकालना है और जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन के कंप्लीशन पे वो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछता है तो कैसे निकालना है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से ठीक है तो दोनों चीजें अलग-अलग हैं दोनों समझ में आ गई या नहीं जल्दी से मुझे बताओ फिर हम आगे चलते हैं देखो हम एक सीक्वेंस में चलेंगे ये नहीं है कि मैं पहले दिन तुम्हें आके कोलिजन थ्योरी के, के क्वेश्चन करवा दूं सॉल्यूशन काइनेटिक्स के क्वेश्चन करवा दूं उसका कोई मतलब नहीं है जहां से काइनेटिक्स स्टार्ट होती है बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे पहले जेई नीट के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर जैम का लेवल आएगा थोड़ा हायर वाला फिर नेट गेट का हायर लेवल आएगा और फिर यूपीएससी और टीफर वाला आएगा ठीक है तो हम कंप्लीट करेंगे इसको अपने पूरे सीक्वेंस में तो तुम ये मत सोचना कि अच्छा आज तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन हो रहे हैं हैं रेट ऑफ़ रिएक्शन के हो रहे तो रहने देते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आया तो फिर तुम कोलिजन थ्योरी के कितने ही फॉर्मूले पढ़ लो समझ में नहीं आएगा <clears throat> हाँ अंकित बिल्कुल बी टू टाइम्स स्पेंट होगा क्लियर है कहां से रिपीट करो राजेश बताओ कौन सा वाला पोर्शन समझ में नहीं आया प्रियंका देखो मैं इसको रिपीट करती हूं। इसमें सबसे पहले तुम्हें उसने बोला है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन के कंप्लीशन पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना है मतलब जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे दो रिएक्टेंट है ए और बी उनमें से कौन सा कंप्लीटली रिएक्ट किया होगा क्योंकि जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा वही तो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट वो वही क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट हाँ बी डबल यूज हो रहा है ठीक है बी का अरे यार बी डबल यूज हो रहा है इट डजेंट मीन की बी का एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डबल होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन तो तुम्हें सिर्फ क्या बता रहे है कि रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई ठीक है रिएक्शन कितनी प्रोग्रेस में है सिर्फ वो बता रहा है कोई डबल यूज हो रहा है ट्रिपल यूज हो रहा है ये तो रिएक्शन की है ना लिमिटिंग रिएजेंट के बाद वाला देखो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हें पता चल गया बी है लिमिटिंग रिएजेंट बी है इसका मतलब रिएक्शन में बी पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया होगा इनिशियली जीरो पॉइंट थ्री नाइन था मतलब इतने का इतना रिएक्ट कर गया होगा तो बी कितना रिएक्ट कर गया जीरो पॉइंट थ्री नाइन बचेगा कितना जीरो बचेगा कितना जीरो उसके बाद अब बी इतना रिएक्ट किया है मतलब यही मुझे बताएगा कि कितना ए रिएक्ट किया इसके साथ और कितना बी सॉरी प्रोडक्ट बना

बी के दो मोल के साथ जेड का एक मोल रिएक्ट कर रहे हैं मतलब जब बी का एक मोल होगा तो ए का कितना होगा आधा और बी के जब 0.39 मोल रिएक्ट करेंगे तो ए के कितने की होंगे 0.39 पॉइंट थ्री नाइन बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन और ए के अगर 0.195 रिएक्ट किए हैं तो यहां पे क्या आएगा कितनी अमाउंट बची है जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तुम्हारी कंप्लीट हो गई मतलब बी पूरे का पूरा रिएक्ट कर गया अब ए के पास बी नहीं बचा है जिसके साथ वो रिएक्शन करे तो अब बी तो पूरा रिएक्ट कर गया ये ए आपका इतना बचेगा रिएक्शन मिक्सचर में जल्दी बताओ बोलो भाई समझ में आ गया ना एम डी अरमान दो बार एक्सप्लेन कर दिया ठीक है हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप समझना ही नहीं चाह रहे उस चीज को अभी क्लियर है ना ठीक है भाई सबको समझ में आ गया जब रिएक्शन वो कंप्लीशन की बात करें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट तभी लगेगा तनुजा ठीक है और जिसको नहीं आया है मैंने इस क्वेश्चन को तीन बार एक्सप्लेन कर दिया है एक बार इसको फिर से देख लेना और फिर भी ना आए तो कल की क्लास में पूछ लेना अगले तो, क्वेश्चन पे चलते हैं देखो अब आता है तुम्हारा अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है एट 400 केल्विन द रेट ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ ए गैसीयस कंपाउंड इनिशियली एट ए प्रेशर ऑफ 12.6 किलोपास्कल वाज 9.7 पास्कल सेकंड इनवर्स बाय 10% है रिएक्टेड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उसने क्या बोला है कि इनिशियली प्रेशर है आपके पास इनिशियली प्रेशर प्रेशर है किलो पास्कल। अब प्रेशर कितना बचा 9.7 पास्कल सेकंड इनवर्स कब जब तुम्हारा जो रिएक्टेंट था उसका टेन परसेंट रिएक्ट किया है और जब बीस परसेंट रिएक्ट कर जाएगा तो कितना बचा 7.67 पास्कल सेकंड इनवर्स तुम्हें क्या बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ठीक है एम डी अरमान मैं क्लास के लास्ट में रिपीट कर दूंगी ठीक है क्लास के लास्ट में रिपीट कर दूंगी अभी कुछ क्वेश्चन और करते हैं आगे एक क्वेश्चन पे स्टक हो के नहीं रुक सकते कोई बात नहीं तृप्ति वो छोड़ो तुम वो छोड़ो क्वेश्चन बताओ तुम मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तुम सबको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो बहुत निकालना आता है ना क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन आते ही तो ये तो हमें आता है आता है और वो गलत हो जाता है तो बताओ मुझे इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये तो तुम ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना आइसोलेट पॉपुलेशन अरे क्या पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया <coughs> जल्दी से मुझे बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा अरे यार यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी है किसने कहा है तुम्हे जाने के लिए उसने कहा है कि तुम भी समझ जाओ तो चुपचाप बैठ के क्वेश्चन सोल्व करो बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं मैंने बोल दिया है तुम्हें कि क्लास के लास्ट में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी कल फिर से क्लास होगी कमेंट बॉक्स में पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगी लिख के इससे ज्यादा क्या चाहिए लड़ाई करा लो तुमसे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ जल्दी से और सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट बोलो अरे तुमको मतलब है या नहीं लेकिन मुझे मतलब है तुम्हारे समझने या ना समझने से ठीक है तुम समझे हो या नहीं समझे वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम बताओ इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा बताओ भाई इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा एक ऑर्डर निकालने में इतना टाइम लगता है ऑर्डर कैसे निकालते हैं सेकंड नहीं, नहीं तो, है, है? है, है? रिएक्शन रही, से से रही है इस रिएक्शन के लिए तुम रेट लिखोगे तो रेट क्या होगा रेट होगा तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके कॉन्सेंट्रेशन के ए की कॉन्सेंट्रेशन के और उसकी पावर कुछ होगी समथिंग एल्फा और ये अल्फा क्या होगा इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा जीरो ऑर्डर नहीं होगा भाई सेकंड ऑर्डर जिसका आया है वो सही है कैसे आया है जिसको नहीं आया समझ लो ये अल्फा तुम्हारा यहाँ पे क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अल्फा तुम्हारा क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे वो एक ही गैसियस कंपाउंड की बात कर रहा है मतलब रिएक्टेंट मेरे पास एक ही है ठीक है तो यहाँ पे अब की बार वो गैसीयस कंपाउंड की बात कर रहा है तो गैसियस के टर्म में हम कंसंट्रेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं प्रेशर से तो यहाँ पे मेरा रेट क्या आ जाएगा प्रेशर ऑफ ए और इसकी पावर अल्फा क्योंकि गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे उनके लिए तो हम प्रेशर लिखेंगे वो गैसेस तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे उसने बोला है कि जब ये टेन रिएक्ट कर गया ठीक है तो ये तो पी तुम्हारी क्या है टी तुम्हारी क्या है किसी एक टाइम टी पे कितना प्रेशर है किसी एक टाइम टी पे कितना प्रेशर है ये किसके इक्वल होगा अगर तुम्हारा ए से बी गया इनिशियली इसका प्रेशर पी नोट है इनिशियली इसका प्रेशर पी नोट है तो किसी एक टाइम टी पे क्या होगा ये अगर पी नोट एफ बना है तो ये क्या आ जाएगा पी नोट माइनस पी नोट एफ केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करो ठीक है केमिकल इक्विलिब्रियम को यूज करो ये अगर एफ इसकी क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एफ क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि ये कितना डिसोसिएट होके प्रोडक्ट में बना अगर पी नोट में से पी नोट एफ डिसोसिएट हो गया तो वो तो प्रोडक्ट बन गया अब ये कितना बचा इनिशियल में से जितना डिसोसिएट हो गया वो मेरा बच गया तो यहाँ पे ये पी तो मैं क्या बता रहा है किसी एक टाइम टी पे कितना प्रेशर है किसी एक टाइम टी पे कितना प्रेशर है तो यहाँ पे क्या आ गया तुम रेट को क्या लिख सकते हो पी नोट माइनस पी नोट एफ की पावर अल्फा समझ में आ गया पी नोट माइनस पी नोट एफ की पावर अल्फा ठीक है यहां से एफ हटा लो तुम एफ की जगह अल्फा ही लिख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और यहां पे ऑर्डर है ऑर्डर को ए से लिख लो ऑर्डर को ए से लिख लो इजी रहेगा एफ तुम्हारे लिए नई टर्म हो जाएगी तो रेट तुम्हारा ये हो गया वो कह रहा है कि जब 10% रिएक्ट किया तो रेट है तुम्हारा 9.75 मतलब r1 रेट है तुम्हारा 9.75 कब जब कितना रिएक्ट किया p नोट इसमें से कॉमन ले लो 1 एल्फा कितना है 10% 10% मतलब 0.1 10% मतलब 0.1 उसके बाद वो कह रहा है कि जब तुम्हारा 20% रिएक्ट कर गया तो रेट है 7.67 ये कब है जब तुम्हारा कितना रिएक्ट कर गया ट्वेंटी परसेंट क्या कर गया तुम्हारा कितना रिएक्ट हो गया ट्वेंटी परसेंट और इसकी पावर भी ए है इसकी पावर भी ए है दोनों को क्या करो डिवाइड कर दो वन आपका क्या है नाइन पॉइंट सेवन वन दैट इज इक्वल टू टी नोट वन माइनस जीरो पॉइंट वन इस पूरे की पावर ए आर टू तुम्हारा क्या है सेवन पॉइंट सिक्स सेवन P note, 1 minus इस पावर 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 की 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 दोनों को डिवाइड कर दो R1 by R2, क्या जाएगा by P note से P note जाएगा से कैंसिल हो यहां से सोल्व करने पे आपका ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू सोल्व करने पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी टू और ए ही मेरा क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए ही मेरा क्या है ऑर्डर ऑफ दी रिएक्शन बताओ भाई हाँ कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर दोगे आई डोंट इंटरेस्टेड इन दिस वर्क किसी ने पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें है किसमें नहीं है नहीं इस वीक में अभी तुम्हारी क्लास फिर सैटरडे को होगी ठीक है पिछले वीक तुम्हारी डेली होती थी और शायद अपकमिंग वीक से भी डेली क्लास होगी 4 पी अभी ये वाली क्लास रिएक्शन तो -फट कैसे निकालना है एक क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए देती हूँ सबको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जिसका नहीं होगा तो मैं अपकमिंग क्लास में आके बता दूंगी ठीक है और जिसका सोल्व हो जाएगा तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुम्हें उसका रिप्लाई करना है सोल्व कर दू देखो इनको सोल्व कैसे करते हैं इनको सोल्व कैसे करते हैं देखो आपके पास वैल्यू है इसको सोल्व कैसे करोगे ये तुम्हारे पास आ गया फोर पीएम ही होगी फोर पी ही होगी ठीक है तो इसको सोल्व के तुम्हें ये ए निकालना है दोनों साइड लोग ले लो लोग आ जाएगा लोग नाइन पॉइंट सेवन वन डिवाइड बाई सेवन कितना कितना बचा 1 कितना बचा अब इन वैल्यू को तो तुम आ जाएगी कैलकुलेटर में लोगरेथम वाला तो सोल्व कर सकते हो ना प्रियंका कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी <coughs> नहीं फैज कैलकुलेशन अच्छे से करो फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा ओके okay. हाँ आ जानी थी भाई तुम्हारी जेम की पहली मेरिट लिस्ट चलो मैं तुम्हें तुम्हारा होमवर्क दे देती हूँ चलो यही क्वेश्चन कर लेना होमवर्क में फिर तुम कहोगे आगे का मैं समझ नहीं आया ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क और मुझे हर किसी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए अरे किसी किसी में राजेश मिलता है और जहां पे नहीं मिलता है तो वो क्वेश्चन जब तुम्हारा खत्म होता है ना वहां पे लोग की वैल्यू वो तुम्हें देता है ठीक है पेपर वाले को पता है वो ज्यादा टिपिकल काम तुमसे नहीं करवाएगा अच्छा फोर पी एम ही होगा नेक्स्ट सैटरडे भी लेक्चर इसी सैटरडे को नेक्स्ट क्या इसी सैटरडे को होगा ठीक है मुझे इसका आंसर सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए जिस नहीं होगा कोई बात नहीं हम अगली क्लास में आके सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे चलेंगे ठीक है एटकिन का तुम्हारा क्वेश्चन है ये अनसोल्व क्वेश्चन है और इससे तुम्हारा तो बेनिफिट ही हो रहा है ना कि सारी की सारी रेफरेंस तो बुक हमारे इससे ज्यादा क्या ही चाहिए ठीक है अभी और दूसरी क्लास है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है ठीक है सारे के सारे इसको पढ़ लेना उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऑर्डर के बाद जीरो ऑर्डर पे चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर के अलग अलग आला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो so, सारे के सारे सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो लाइक कर दो और जितने भी नए लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि सारी नोटिफिकेशन अपडेट्स तुम्हें मिलती गैस okay? और आइडियल गैस में क्या फर्क होता है आइडियल गैसेज में गैसेज इंटरेक्ट नहीं करती तुम्हें का पहला चैप्टर मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस ठीक है प्लेलिस्ट में देख लेना मैंने अच्छे से दोनों को डिटेल में पढ़ाया हुआ है आइडियल गैसेस में कोई इंटरेक्शन नहीं होती रियल गैसेस में डेविएशन आएंगी ओके बाय बाय देखो मैंने किया ना तो